हेलो हेलो शान, कहाँ हो तुम? बस 2 मिनट में आ रहा हूँ यार। तुम्हारा हमेशा का ऐसे ही हो गया, मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। हाँ बाबा, बस वेट करो, मैं आ गया। ठीक है, जल्दी आओ। वेट करो। हाँ मैं वेट कर रही हूँ। आप ओके, बाय। ओके हाय गरिमा। हाय हाय मोहन। चले? अरे बस 2 मिनट रुको, ईशान आता ही होगा। ये लो, आ गया वो भी। बढ़िया, चल फिर चलते हैं। चलो चलो। मेरे लिए 2 पनीर टिक्का सैंडविच कर दो। और मेरे लिए? हमारे लिए 2 ब्लैक स्मूदी कर दो। बढ़िया है भाई। 1 पनीर टिक्का सैंडविच और ऐड कर दो, और 1 वनीला मिल्कशेक, और 1 चॉकलेट मिल्कशेक, और 1 चिकन टिक्का सैंडविच कर दो। अरे वो गुस्सा होकर मनाने तो जा। मुझे नहीं जाना, तुझे जाना तो जा। रुक मैं जाता। करीमा, क्या वो तू एकदम बाहर कैसे आ गई गुस्से में? नहीं यार, उसने हमेशा को हो गया। तूने देखा ना मुझसे कैसे बात कर रहा था वो। अरे तो छोड़ ना यार, तू क्यों गुस्सा कर रही है? और देख, वो गुस्सा तुझ पर कर भी रहा है तो क्या हुआ, प्यार भी तो तुझसे सबसे ज्यादा करता है ना। और इन छोटी छोटी बातों को लेकर तू भी ऐसे करेगी तो फिर चीजें और ज्यादा खराब हो जाएगी। काश इतनी समझ तुझ में अगर उसमें होती तो कितना अच्छा होता। अब यार छोड़ ना, चल अंदर। और बेटा कहाँ था कल शाम को? घर गया था। आ गए? हो गया कुछ आसान? ये लो आप खा लो। एन सोच तेनू मोटे यार तो नहीं रोक दी, ठीक है ना बस तेरे यार तो नहीं रोक दी, यार तो नहीं रोक दी। कद मैनू फिल्म दिखा दिया कर, कद कद मैनू भी घुमा लिया कर, सारे साल विच जीव रुसा एक बार, इना के तो बन दा मना लिया कर। एक पासे तू बब्बू, एक पासे है जग सारा। कहाँ रह गई यार गरीम, अब तक आई नहीं। अरे आ जाएगी, देखा ना मैं लेट होता हूँ तो कितना कॉल करने लगती है। अभी देख खुद ही लेट है। हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ। वो देख आ गई, चल। हे हाय, क्या हो गया? तुम्हें देख के लग नहीं रहा तुम ठीक हो। यार कल रात को फीवर भी हो गया था और अभी भी थोड़ा सा हेडेक है।
और लग नहीं रहा मेरी तबीयत ठीक है, इसलिए मैं आने में भी लेट हो गई। तो क्या जरूरत था आने की, तब से हम वेट कर रहे हैं तुम्हारा। तुम्हारा तबीयत खराब था, घर पे रहना था ना, रेस्ट करना था ना तुमको। और मुझे पता है तुम क्यों आई हो। तुमको तो लगता है मैं वहाँ जाऊँगा, लड़कियों के साथ फ्लर्ट करूंगा, यही तो तुम्हारे दिमाग में चलता है ना हमेशा। यही है एक्चुअली में। अरे यार तुम लोग को जहाँ जाना जाओ यार। अरे शान, लेकिन सुन नहीं यार, बस रख। देखा निकेत, ये मुझसे हमेशा ही ऐसी बात करता है। मैं इतनी बीमार हूँ, मैं फिर भी आई हूँ, पर इसको नहीं, हमेशा इसको मुझसे लड़ना ही होता है। करीमा तुम भी अपनी जगह ठीक हो और शान भी अपनी जगह ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। अब उसका भी मूड खराब हो गया तुमको ऐसे बीमार देख के, और अब हम भी नहीं जा सकते, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। छोड़ो, आज का प्लान कैंसिल ही करते हैं, मैं तुम्हें घर ड्रॉप करती हूँ। चलो और गरीब, अब तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ, अभी पहले से बेटर है, कल से तो ठीक है। सही है, हाँ वो देखा मैंने। अगर तबीयत ठीक है तो मूवी चले। अरे तुझे पता है यार, प्रियंका मेरी फोटोज लाइक कर रही है। क्या बात कर रहा है? हाँ भाई। कौन प्रियंका? तुम्हें नहीं पता, कॉलेज की सबसे हॉट लड़की है। अरे वो तो सच में हॉट है यार, और भाई बहुत सेक्सी है यार। भाई की फोटोज लाइक कर रही है। क्या बात है, एक काम करो तुम प्रियंका के पास ही जाओ। अरे मामा मैं मजाक कर रहा था, पूछो अनिकेत से। तू भी ना तो हमेशा। अच्छा तुम लोग रुको, मैं कुछ खाने को लेके आता हूँ। ओके ठीक है। यार अनिकेत शान से हमेशा ऐसे ही मजे लेता है, हमेशा मुझे जेलस फील करवाता है। मैं ऐसा क्या करूँ जो मुझे फील होता है सेम उसको भी वही फील हो, ताकि उसको पता चले कि मुझे कैसा फील होता है। वैसे एक आइडिया है तो क्या बता ना फिर। सुन, ये आइडिया बेस्ट है। गरिमा देखना मेरी आंखों में कुछ घुस गया है। हेलो शान, कुछ बात करनी थी। मैं सो रहा हूँ अभी, कल बात करते हैं। अच्छा ठीक है, बाय बाय। हेलो, हेलो शान, कहाँ हो तुम? आज मैं आ नहीं पाऊंगा, पापा को कुछ काम है। अच्छा तो इसलिए। यार पर तुम एक काम करो ना, अनिकेत के साथ चले जाओ। चलो ठीक है, ओके ओके बाय। क्या हुआ? यार शान तो आ नहीं रहा, उसको पापा के साथ कुछ काम है तो बिजी है। फिर अब मोहित कहाँ है? मोहित को मैंने फोन किया था, वो भी आज फ्री नहीं है, बिजी है। तो दोनों ही आ रहे हैं, तो फिर हम चलते हैं ना। चले चल, ठीक है चलो। तेरी फीलिंग आधा रख लूं ध्यान में, हक मेरा ही ना करूं एहसान में, वादा मेरा कदे साथ नहीं हो छड़ूंगा, जान बन के मैं जान नहीं हो कड़ूंगा। मासूमियत लुटनी नहीं, असा उड़ना नहीं चेहरे तो, मैं यारी लानी है, पक्का निभ जूगी मेरे तो, सांब भी हो जाना, टूटना नी मेरे तू, मैं यारी लानी है, पक्का नी बुझूगी मेरे तू।
तेरी धड़कने थी मुझको ना ही नजर, तेरा इश्क मुझ में सांस ले रहा था मुझको हुई ना खबर। लगी तुम इसमें? नहीं नहीं जान गए सब मुझ पे तू कितना मर्दा है। अनिकेत अब मैं चले जाऊंगी बस, घर आते ही होगा। चलो ठीक है बाय, ध्यान से जाना। मुझे कैसे पता ना चला कि तू मैनू प्यार करदा है, मुझे कैसे पता ना चला कि मेरा इंतजार करदा है। हेलो। हाय गरिमा। हाय अनिकेत। वो यार शान को मैं कब से फ़ोन ट्राई कर रही हूँ बट वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, तुम एक बार ट्राई करो, क्या पता तुम्हारा उठा ले। अच्छा चलो ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। यू आर वेलकम। बाय बाय। हाँ अनिकेत, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? लेकिन मेरी बात तो क्यों कॉल कर रहा था बार बार? कहाँ था आज तू? कहाँ था? अरे तुझे बताया था ना पापा के कुछ काम से गया था मैं। बेटा देख ले तेरे पापा का काम, शाम को सेक्टर 46 की मार्केट में किसके साथ घूम रहा था? अरे वो तूने देख लिया क्या? हाँ वो तो जस्ट फ्रेंड थी, हम बस कॉफी पीने गए थे और कुछ नहीं। शान मैंने तेरे को कितनी बार समझाया ये सब छोड़ दे, गरिमा तुझे सुबह से फोन कर रही है तो उसका फोन ही नहीं उठा रहा है, और तो उससे झूठ बोलकर किसी और के साथ घूम रहा है। या शान ये बात ठीक नहीं है तेरी। देख अगर तूने इसी प्रवचन के लिए मुझे बुलाया है ना तो फिर मुझे नहीं सुनना है, ठीक है? जा यार, जा जाओ, मूड ही ऑफ कर देते। अबे लेकिन बात तो सुन। और बता सिमरन के साथ क्या चल रहा है तेरा? सिमरन के साथ? अबे कुछ भी नहीं, पागल है। अबे झूठ मत बोल, मैंने देखा है तुम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे पूरा। अबे नहीं यार, वो मेरे सिर्फ अच्छे दोस्त है। कल शाम को क्या कर रहे हैं? शाम को कुछ नहीं। तो फिर चलते हैं क्लब। हाँ चलते हैं कल। तो ठीक है, चलते हैं। शान फोन क्या है तुम्हारा? फोन नहीं उठाना होता तुम्हें, अगर तुम्हें कॉलेज मेरे साथ जाना ही नहीं था तो बता देते मुझे, मैं कम से कम तुम्हारा वेट तो नहीं करती वहाँ पे। और वैसे मैं तुम्हारा आजकल बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना तुम्हें मुझे रिप्लाई करना होता है, ना मुझे कॉल करना होता है, ना तुम मुझसे मिलने आते हो। पागल हूँ क्या यार मैं? शांत एक बात बताऊँ, रिलेशन ना दो लोगों के बीच में होता है, बट इस रिलेशनशिप में एफर्ट सिर्फ मैं ही लगा रही हूँ, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो यार। भाई तो चल मैं आता हूँ। चल बस बहुत हो गया है। ओके हो क्या गया तुम्हें? देख नहीं रहे हो मैं कहाँ खड़ा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, किस लिए मुझ पर चिल्ला रही हो? तुम गर्लफ्रेंड हो, हद में रहो, ठीक है? तुम्हारा कॉल नहीं उठा रहा, मैसेज नहीं कर रहा तो क्या हुआ? और आजकल मैं बदला नहीं हूँ, बदल तुम गई हो। तुम्हारा तेवर ना टोटली बदल गया है और पहले जैसा ना कुछ रहा ही नहीं है, तो क्या ही फर्ज लगाऊं? और अगर मुझसे बात नहीं करना तो मत करो ना, किसने कहा तुम्हें बात करने को? तुम जाओ अपने रास्ते, मैं चल रहा हूँ, बाय। तेरे जाने का गम और नाने का गम, फिर जमाने का गम क्या करे, राह देख नजर रात भर जाग कर
पर तेरी तो खबर ना मिले। दिल का दरिया बह ही गया, राहों में यूं जो तू मिल गया। करीमा रो क्यों रही है? शान ने सब खत्म कर दिया निकेत। क्या खत्म कर दिया मतलब? हाँ, उसने अभी मुझसे बोला तू अपने रास्ते और मैं अपने। निकेत, उसने ऐसा क्यों बोला? पता नहीं, सब खत्म कर दिया। अरे तू रो मत। इस कदर दिल है टूटा, टूटे हैं हम। तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहे और हम। शांत, तुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। देख, जैसा तूने देखा ना वैसा कुछ भी नहीं है। बस यार, वो बस रो रही थी तो इसलिए तुम्हारा तेवर बदल रहा था ना। शांत, मेरी बात। और तू इसलिए इसके आगे पीछे चल रहा था ना। शांत, नहीं। अरे भाई मेरी बात तो सुन। दिखा दी ना अपनी औकात। हाँ, यही है तुम्हारी असली पहचान, समझा? यही है। तुझे मैंने ये नहीं सोचा था इस तरह से, इतना घिरा हुआ नहीं। शांत, बहुत ज्यादा हो रहा तेरा। तूने अपनी दोस्ती दिखा। अभी अभी तो मिले थे, फिर जुदा हो गए। क्या थी मेरी खता, तुम सजा हो गए। मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करो, देखना मिले कि मुझसे तुम फरियाद करोगे। हाय। हाय, कैसा है? अच्छा, तू कैसी है? बस बढ़िया बेटा। बस, और तू मेरे एंगेजमेंट में नहीं आई ना? अरे यार, एंगेजमेंट के टाइम पे बिजी थी ना, इस वजह से। हाँ, बड़े लोग हो अब तो कहाँ आओगे। ठीक है। तूने पार्टी में ऐसे लोगों को भी बुलाया है। ऐसे लोगों से क्या मतलब है? तेरे जैसे, जो किसी की इज्जत नहीं करते। तू इज्जत के काबिल नहीं, जो दोस्त की बंदी पे हाथ लगा। तेरी बंदी थी कब? वो जाके पूछ उससे, कितनी खुश है वो मेरे साथ। रुक जा गरिमा, ये काफी सालों की भड़ास है, निकलने दे आज। इस दिन का काफी दिनों से इंतजार था मुझे, आज वो समय आ ही गया। किसने धोखा दिया यार तूने? हमेशा मैंने तो कितनी बार समझाया कि दूसरी लड़कियों के चक्कर में मत पड़, लेकिन तू, अगर मैं नहीं होता ना तो आज उसकी जिंदगी नरक बन चुकी होती। तू सिखाएगा मुझे लड़कियों के मामले में? शुरू से लेकर तू उसके पीछे पड़ा हुआ था, बस तुझे मौके की तलाश थी, और तुझे जब मौका मिला तूने बस कर लिया अपना काम। मेरी तलाश? मैंने फायदा उठाया? जाके पूछ उससे, आज तक उसकी परमिशन के बिना ना उसे हाथ तक नहीं लगाया मैंने। तूने उसे आज तक हाथ नहीं लगाया? हाँ, पूछ उससे।
पागल है क्या, हंस क्यों रहा है? अबे लड़के के मामले में ना तेरा भाई का स्कोर ना 50 है। हाँ तो तेरा कमीना नहीं हूँ ना मैं। बस ये डिफरेंसेस हैं तेरे में और मेरे में। सही कहा तुमने, मैं ही गलत था और तू ही सही था। सॉरी चलो भाई, दारू खुल गया। Hey guys. गाइस थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना और नीचे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। भाई बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता है और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा जरूर बजाना। और हाँ, ये अपने शान ब्रदर्स साइलेंट शान ब्रदर्स करके इनका यूट्यूब चैनल है, उसको भी जाके सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल का ऑन कर लेना। और भाई भी बहुत अमेजिंग लव स्टोरीज बनाते हैं तो जाओ सपोर्ट करो। बाकी थैंक यू सो मच। और भाई के साथ वीडियो आ रही है हमारी भी, तो उसको भी जाके देखना, लाइक करना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बस और एक सेकंड, एक चीज और, पार्ट टू जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है इस वीडियो के बाद आएगा, तो स्टे ट्यून्ड, बने रहो, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा।